हेलो फ्रेंड, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप आगरा कैसे आए, जहां आने का बेस्ट सीजन क्या है तथा ताजमहल के बारे में बताया था। अगर आपने ये मेरी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप कानपुर, बरेली तथा लखनऊ की ओर से आ रहे हैं तो आप आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं, जहाँ से आगरा फोर्ट की दूरी मात्र 500 मीटर है तथा ताजमहल की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। इसके बाद आप आगरा का किला देखने जा सकते हैं। ताजमहल से किले की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जो आप ऑटो द्वारा कर सकते हैं, जिसका चार्जेज 20 रुपये प्रति पर्सन होगा। आगरे का किला यह बहुत बड़ा किला है। यह लाल रंग के पत्थरों से बनाया गया है, दिल्ली के लाल किले से मेल खाता है, इसलिए इसे आगरे का लाल किला भी कहते हैं। यह भारत का महत्वपूर्ण किला है। यह किला सिकंदर वंश के राजपूतों ने बनाया था। मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब जहां रहा करते थे। शाहजहां ताजमहल की तरह उसके सामने एक काले पत्थर का महल बनाना चाहते थे, क्योंकि यह सब खर्च जनता द्वारा दिए गए पैसे से हो रहा था, जो कि पैसे की बर्बादी होती है। इसलिए अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बना दिया था, एक ऐसी सजा जो किले के महलों की विलासिता को देखते हुई उतनी कड़ी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मसमन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुई, इस बुर्ज के संगमरमर के चौरखों से ताजमहल का बहुत सुंदर दृश्य दिखता है। आप जहां पे सेल्फी ले सकते हैं, ताजमहल जहां से बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है। जहां का एंट्री टिकट है 50 रुपये, अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको 5 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। आगरा फोर्ट से बाहर निकलते ही आपको ताजमहल का मॉडल बेचने वाले मिल जाएंगे, जो कि आपको 250 रुपये प्रति पीस बताएंगे। अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो आपको यही ताजमहल 50 रुपये में दे देंगे, यानी के 5 गुना कम कीमत। इसी तरह ईयर रिंग आपको 150 रुपये में बताकर 50 रुपये में दे देंगे, सो इसका खास ध्यान रखें। इसके अलावा आप मेहताब बाग, अकबर का मकबरा, इत्माम उल दौला का मकबरा, राम बाग, मरियम का मकबरा आदि देख सकते हैं। इनका एंट्री टिकट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगरा आने के लिए आप 2 दिन का टूर प्लान बनाएं। आगरा के साथ फतेहपुर सीकरी भी घूमें। फतेहपुर सीकरी जाने के लिए आपको ईदगाह बस स्टैंड से बस मिल जाएगी, जिसका किराया 49 रुपये पर पर्सन होगा। ईदगाह बस स्टैंड आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। अगर आप ऑटो लेते हैं तो 10 रुपये पर पर्सन लेगा। बस आपको फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा के पास बस स्टैंड पर छोड़ देगी। बस स्टैंड से बुलंद दरवाजा की दूरी मात्र 200 मीटर है। आप पैदल 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। जहां पर आपको 50 रुपये में स्टूडेंट गाइड मिल जाएगा, जो कि आपको गाइडेंस के साथ आपकी फ़ोटो भी खींच कर देगा। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, जहां पर मानता है कि धागा और चादर चढ़ाने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। ना दरगाह के पीछे शेख सलीम चिश्ती के परिवार की बहुत सारी कब्रें हैं। छुट्टी वाले दिन जहां पे काफ़ी भीड़ होती है। फतेहपुर सीकरी को बादशाह अकबर ने बनाया था, लेकिन जहां पानी की कमी के कारण राजधानी को आगरा में शिफ्ट करना पड़ा। इसके बाद आप फतेहपुर सीकरी का किला देख सकते हैं, जहां का एंट्री टिकट है 50 रुपये। जहां पर पंचमहल दीवाने, आम दीवाने खास, दौलत खाना, जोधाबाई पैलेस तथा हवा महल आदि देख सकते हैं। इसके बाद आप आगरा वापस आ जाएं तथा वापसी घर जाते वक्त पेठा शॉप पर आप पेठा जरूर खरीद कर जाएं, यह आपके लिए यादगार रहेगा।
यदि आप वन डे टूर प्लान चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन पर IRCTC का ऑफिस बना हुआ है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको उनकी फ़ोटो स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर IRCTC का लॉज भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं और खाना भी एंजॉय कर सकते हैं। वैसे ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बाकी आप यह फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर फूड का एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको 210 रुपये पर थाली मिल जाएगा। आप अनलिमिटेड फूड ले सकते हैं, बट मुझे इनकी सर्विस कुछ अच्छी नहीं लगी। इनका खाना इतना अच्छा नहीं था। पनीर की सब्जी, दाल, स्वीट डिश में पेठा और दही मिली थी। अगर आप वन डे टूर प्लान करके आगरा आते हैं और आपके पास सामान है तो अपना सामान जमा करवाने के लिए रेलवे स्टेशन पर क्लॉक रूम बना हुआ है, जहां पर आप अपना आधार कार्ड दिखाकर आसानी से सामान जमा करवा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आपके पास ताला होना चाहिए, बिना ताले के ये सामान स्वीकार नहीं करते। अब बात करते हैं बजट की। ये 2 पर्सन के लिए, पहले बात करते हैं टिकट की, जिसमें आपका 550 रुपये खर्च आएगा, जिसमें ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, मेहताब बाग, अकबर टॉम, राम बाग, मरियम टॉम और इदमाम उल दौला टॉम हो जाएगी। होटल आपको 500 रुपये से 1000 रुपये में बढ़िया होटल मिल जाएगा, मैंने 1000 रुपया लगाया है इसका। फूड की बात करें तो 2 पर्सन के लिए 2 दिन के लिए 1500 रुपये के करीब आपका खर्चा आएगा, 750 रुपये आपका लोकल ऑटो पे खर्चा आएगा और फतेहपुर सीकरी आने और जाने का 200 रुपये 2 पर्सन का होगा। 1000 रुपया मैं एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ तो यह टोटल बनता है 5000। तो ये 2 पर्सन का है तो ये आपको 2500 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।